हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलती रहें। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 51 यानी कि 51वां टेस्ट पेपर। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है, इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरल सिस्टम एट द सेंटर एंड लेजिस्लेचर वेयर द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स वर सेलेक्टेड इनडायरेक्टली। इस एक्ट में बाइकैमरलिज्म आया था जहाँ सेंट्रल लेजिस्लेचर अपनी मेजॉरिटी को सेलेक्ट करता था इनडायरेक्टली। दूसरा है, मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल असेंबली वर टू कंट्रोल ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो मिनिस्टर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे किसको, प्रोविजनल असेंबली को, जो कि सारे डिपार्टमेंट का कंट्रोल और प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन करता था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। जो 1919 एक्ट आया था इसमें इंडियन काउंसिल बनी थी सेंटर और रिप्लेस्ड हुआ था बाइकैमरल सिस्टम से, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि अपर हाउस जो आज का राज्यसभा है और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस ये गठित हुए थे। दूसरा है, ईच हाउस वॉज टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ मेम्बर हु वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और दोनों ही हाउस में मेजॉरिटी ही बैठेगी जो कि इनडायरेक्ट इलेक्टेड होगी, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे इसके अंदर। और इसी के साथ साथ डायरेक्ट इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें फ्रेंचाइजी रिस्ट्रिक्टेड था, यानी कि आप जो वोट देने का अधिकार था वो सिर्फ क्वालिफिकेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से या फिर टैक्स या फिर एजुकेशन होने के, अगर आपके पास इन तीनों में से कोई चीज़ है तभी आप वोट दे पाएंगे। या तो आपके पास प्रॉपर्टी हो या टैक्स भरते हो या फिर एजुकेशन हो आपके पास यानी पढ़े लिखे हो। तीसरा है, ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट अंडर द मिनिस्टर, यानी जितने भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स थे वो मिनिस्टर के अंदर नहीं थे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग दिया है। पहला है दुरंध लाइन, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। मेडिसिन लाइन, यह यूएसए कनाडा के बीच। मैगनॉट लाइन है, यह फ्रांस स्पेन। और हिंडनबर्ग लाइन है जर्मनी और नीदरलैंड के बीच। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेल नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसका सही आंसर है C3 और 4, यानी कि तीसरे और चौथे सुमेल सही नहीं है। जो मैगिनॉट लाइन है वो फ्रांस के मिनिस्टर पर रखा गया था आफ्टर अ वॉर विथ एंड्रे मैगनॉट। और जो हिंडरबर्ग लाइन है वो जर्मनी की डिफेंसिव पोजीशन थी, बिल्ड ड्यूरिंग द विंटर इन 1617 थी विंटर फ्रंट में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। तो ये लाइंस नहीं है बल्कि अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी विच इज़ रिसीव्ड इन एन एक्सचेंज विद एन अदर करेंसी। इसमें ये मनी की वैल्यू होती है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं अपनी करेंसी को दूसरे करेंसी के मदद से। दूसरा है, इफ़ द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ हाई इट विल एडवर्सली इम्पैक्ट इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, अगर नॉमिनल एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है तो ट्रेडिंग एक्टिविटी पे ये इफ़ेक्ट कर सकता है और बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, वन ओनली, सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत है। जो दूसरा है, क्योंकि नॉर्मल एक्सचेंज बढ़ता है तो इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा
फ़ायदा होगा ना कि नुकसान, और इससे गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन यूनिट्स बढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक DSIBs के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है द बैंक हुज असेट क्रॉसेस 2% ऑफ द GDP वर कंसिडर DSIB। उन बैंक को DSIB माना जाएगा जिनकी असेट GDP के 2% से ज़्यादा हैं। दूसरा है दीज आर ग्लोबली आइडेंटिफाइड बाई बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, यानी कि इन बैंक्स को विश्व स्तरीय पर बेजल कमेटी द्वारा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है उसके नियंत्रण में यानी कि उसके अंडर काम करती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, जो नेशनल मिशन सस्टेनेबल हैबिटेट थी उसके संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि इसको जो गवर्न कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। दूसरा है इट एम्स टू मेक अर्बन एरिया मोर क्लाइमेट फ्रेंडली एंड लेस ससेप्टिबल टू क्लाइमेट चेंज, यानी कि ये अर्बन एरिया को वातावरण से ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है और जो क्लाइमेट चेंज है वो ज़्यादा इससे नुकसान होता है। सॉरी, जो क्लाइमेट चेंज है कम मतलब उसको नुकसान कम पहुंचाते हैं और अर्बन एरियाज को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ वन ऑफ द 8 क्लाइमेट मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर NAPCC मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर ये 8 क्लाइमेट मिशंस के अंदर एक ये मिशन भी शामिल है। एंड इट इज़ गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ना कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आउटकम ऑफ द अर्थ समिट 1992, यानी कि अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था उसमें इनमें से कौन सी चीज़ें सामने आई थी। पहला ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी एजेंडा 21 और सी फॉरेस्ट प्रिंसिपल। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, टू एंड थ्री, यानी कि एजेंडा 21 और फॉरेस्ट प्रिंसिपल इसी अर्थ समिट में आए थे। इसी के साथ UN कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी आया था, इसको रियो समिट या रियो कॉन्फ्रेंस या अर्थ समिट भी कहते हैं, जो कि रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है वहाँ 1992 में हुआ था। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो वियना कन्वेंशन का है, वो ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, सुमेल दिया हुआ है, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला है फरगना वैली सेंट्रल अमेरिका, बी स्कॉर्बर्ग सोहोल साउथ चाइना सी और थर्ड है कुरिल आइलैंड यानी कि ईस्ट चाइना सी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेल सही यानी कि मैचिंग सही है। तो इसका सही आंसर है ए, टू ओनली, यानी सिर्फ सेकंड सही है। आप लोग ने अगर ध्यान दिया हो तो ये क्वेश्चन हमारे पिछले टेस्ट में यानी कि GS टेस्ट पेपर 50 में मौजूद था। तो आई होप आप सब ने सही किया हो। फरगना वैली सेंट्रल एशिया में है, आपको पहले बता दिया गया। कुरिल आइलैंड ऑस्टोक्स सी को पैसिफिक सी से अलग करता है, जिसको सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वॉर टू में एनेक्स्ट किया था यानी कि कब्जा किया था। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला है इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन ट्रॉपिक, यानी कि जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड
वो इंसोलेशन यानी कि जो गर्मी होती है वो ट्रॉपिक से ज़्यादा कम रिसीव करती है। दूसरा, जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज़ मोर ओवर द कॉन्टिनेंट दैन ओवर द ओशियन, यानी कि सेम लैटिट्यूड पे अगर 10 डिग्री लैटिट्यूड है तो उस पे ज़मीन पे जो कॉन्टिनेंट्स होती है वो उस पे ज़्यादा गर्मी होती है बजाय ओशियन के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्मी होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ वन एंड टू यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो पहला है वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर पे लगातार गर्मी पड़ने की वजह से एक बारिश होती है जिसको 4 PM रेन बोलते हैं, क्योंकि हमेशा 4 बजे शाम को ही होती है, जिसकी वजह से गर्मी क्या होती है निकल जाती है और हमेशा बादल घिरे रहते हैं। इससे ये होता है कि जो हमारा सनलाइट है, जो यूवी जाती है अल्ट्रावायलेट रेज, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। आपने अल्बिडो टर्म पढ़ा होगा अगर याद हो तो अल्बिडो का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिनसे सन की किरणें बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। जो दूसरा है वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लैंड होता है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है और बहुत तेज़ी से ठंडा भी होता है, इसलिए उसमें गर्मी ज़्यादा रिसीव करता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो इंडिया मेंटेन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इंडिया हैड डेवलप्ड द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर, एंड दिस सिनेरियो विच अमंग द फॉलोइंग नॉन बैलिस्टिक मिसाइल इज केपेबल टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड। जैसे आपको पता हो कि इंडिया ने सबसे पहले किसी भी तरीके का जो वेपन होता है, हथियार होता है, इस्तेमाल ना करने की बात कहता है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर इतना कहने के बावजूद भी इंडिया ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है। तो आपको बताना है इस बॉम्ब के संदर्भ में कि कौन सा नॉन बैलिस्टिक मिसाइल इस न्यूक्लियर बम को कैरी करता है। ऑप्शन ए अग्नि 5, बी निर्भया, थर्ड है शौर्य, फोर्थ है सागरिका और फिफ्थ है बराक 8। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर है D 2 and 2, 3 and 5 ओनली। अग्नि 5 है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ना कि नॉन बैलिस्टिक मिसाइल। इसको DRDO ने बनाया है। और जो सागरिका है इसको कोड नेम से भी जाना जाता है, जैसे K-15 या B-05। और ये न्यूक्लियर केपेबल सबमराइन है विच लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल वो, या ना कि बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर बम कैरी करता है। और उसकी मारने की क्षमता 750 किलोमीटर है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का अपना ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैड मेड अ स्टेटमेंट दैट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अदर इंटरस्टेलर स्पेस इज फाउंड विद इन आवर सोलर सिस्टम अलॉन्ग विद द एंट्री ऑफ आवर मैन मेड सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट इन टू द नेबरहुड इंटरस्टेलर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई थी जिसने ये कहा था कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ रही है। तो आपको बताना है इनमें से कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। पहला है ओमुआमुआ, दूसरा है 21 बोरिसोव, थर्ड है वॉयजर और फोर्थ है न्यू हॉराइजन। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B 1, 2 and 3। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमारे सौरमंडल से बाहर चला जाए, जबकि जो न्यू होराइजन है ये एक मिशन था नासा का जो कि प्लूटो से जुड़ा हुआ था, या कूपियर बेल्ट से। कूपियर बेल्ट आपका नेपच्यून के बाद है, तो इससे ये जुड़ा हुआ था, या डॉर्फ प्लैनेट की स्टडी के लिए इसको भेजा गया था न्यू होराइजन मिशन को। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले हम आपको हमारे लास्ट वीडियो
यानी जीएस टेस्ट पेपर 50 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। आई होप आप सब ने का सही हो, सब ने सही किया हो। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज लीड्स टू द ले, यानी कौन सी पासेज जो कि लेह लद्दाख को जाता है। इसका सही आंसर है ए जोजिला। जोजिला पास ये जम्मू कश्मीर माउंटेन में है और ये इंडियन नेशनल हाईवे 1 के बीच में, जो कि श्रीनगर और लेह के बीच में आता है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि जीएस टेस्ट 51 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज वॉज डिक्लेयर्ड ऑन, यानी कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। ए 26 जनवरी 1930, बी 8 अगस्त 1942, सी 21 अक्टूबर 1943 या डी 18 फरवरी 1946। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।